नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में, जिसके अंतर्गत अभी हाल ही में पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर यहां पर चुनाव हुआ है। तो जानेंगे किन्हें चुना गया है पहली महिला अध्यक्ष, साथ ही साथ इससे जुड़ी हर वो जानकारी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी को डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो चलिए बिना ज्यादा समय वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले बात करें सुर्खियों में क्यों है, तो अभी हाल ही में ध्यान रखना है कि जो पीटी उषा है, इन्हें एक्चुअली में आईओए यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए चीफ के तौर पर अनअपोज तरीके से चुन लिया गया है। एक्चुअली में 10 दिसंबर को, ठीक है, ये जो आईओए है इसका चुनाव होना है और इसके रिगार्डिंग 27 नवंबर तक, ठीक है, 27 नवंबर तक नॉमिनेशन फाइल करने की तारीख थी। अब हुआ क्या कि 27 नवंबर को, और इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है इसके अंतर्गत अलग अलग पोस्ट पर इलेक्शन होने हैं, कुल 14 पोस्ट हैं इसके अंतर्गत जिस पर चुनाव आयोजित किया जाना है, जिनमें से मुख्य रूप से एक प्रेसिडेंट का, 2 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का, 2 वाइस प्रेसिडेंट, 1 ट्रेजरर, 2 जॉइंट सेक्रेटरी सहित कुल 14 पोस्ट है जिस पर इलेक्शन होना है, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या कि जो प्रेसिडेंट का चुनाव होना है इसके अंतर्गत केवल एक ही व्यक्ति ने नॉमिनेशन फाइल किया, और ये कौन थी, ये थी पीटी उषा। केवल पीटी उषा ने ही इसके प्रेसिडेंट के तौर पर नॉमिनेशन फाइल किया, तो इन्हें फाइनली अब अनअपोज तरीके से जो आईओए है इसके अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया गया। अच्छा, साथ ही साथ इसके ट्रेजरर के तौर पर भी केवल एक ही नॉमिनेशन प्राप्त हुआ, जो कि था सहदेव यादव का, तो उन्हें भी अनअपोज तरीके से आईओए के ट्रेजरर के तौर पर चुन लिया गया है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो पीटी उषा है इसके साथ ही ये पहली महिला अध्यक्ष भी बन गई है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। इसके अलावा ना केवल ये पहली महिला अध्यक्ष बल्कि संघ के 95 साल के इतिहास में इस संघ का नेतृत्व करने वाली पहली ओलंपियन और साथ ही साथ पहली अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता भी बन गई हैं। इनसे पहले एज ए स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पर वर्ष 1938 में महाराजा यादवेंद्र सिंह जी को चुना गया था, जो कि एक क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं, और ये आईओए के प्रेसिडेंट के तौर पर वर्ष 1938 से लेकर वर्ष 1960 तक रहे हैं। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो आईओए है यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये इसने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कमेटी की सहमति के बाद अपना एक नया संविधान अडॉप्ट किया है, और इसने अपना नया संविधान कब अडॉप्ट किया है, ये किया है 10 नवंबर को, और इस नए संविधान के अंतर्गत यह कहा गया है कि इसके अंतर्गत एक 75 मेंबर्स की एक इलेक्टोरल कोलाज बनाई जाएगी, जिसके अंतर्गत 75 मेंबर्स इसके अंतर्गत होंगे, और इन 75 मेंबर्स में से 25% जो है ये एक्चुअली में फॉर्मर एथलीट होंगे। इसके साथ ही साथ ये जो इलेक्शन आयोजित कराया जा रहा है आईओए के द्वारा, ये एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एन नागेश्वर राव जी की देखरेख में आयोजित कराया जा रहा है। इसके साथ ही साथ बात पीटी उषा की करें, तो जो पीटी उषा है, सबसे पहले तो ध्यान रखना कि जो पीटी उषा है इनके जन्म से रिगार्डिंग कई दफा सवाल बन चुका है, तो ध्यान रखना है पीटी उषा इनका जन्म कहाँ हुआ है। इनका जन्म हुआ है कोझीकोड केरल में, ठीक है, कोझीकोड केरल में इनका जन्म हुआ है, और ये एक्चुअली में एक बहुत ही महान स्प्रिंटर खिलाड़ी रही है भारत की, और इन्हें पायोली एक्सप्रेस, उड़न बड़ी और साथ ही साथ गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो पीटी उषा है, इन्होंने वैसे तो कई सारे मेडल्स जीते हैं, अप्रॉक्सीमेट हम बात करें तो तकरीबन 100 से भी ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेडल्स इन्होंने अपने नाम किए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इनमें एक तो आता है एशियन गेम्स के अंतर्गत, इसके अंतर्गत इन्होंने कुल 4 गोल्ड मेडल्स और साथ ही साथ 7 सिल्वर मेडल्स इन्होंने जीते हैं। साथ ही साथ इनका अब तक का सबसे यादगार जो प्रदर्शन रहा है वह रहा 1984 का लॉस एंजलिस ओलंपिक के अंतर्गत, जहाँ ये बहुत ही कम मार्जिन से अपना पदक लेने से चूक गई थी। अच्छा, इनका जो रिकॉर्ड था इस ओलंपिक के अंतर्गत ये 55.42 सेकंड का ये आज भी मेंटेन है, यानी कि ये रिकॉर्ड एक्चुअली में आज भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो पीटी उषा है, इन्हें एक्चुअली में 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भाजपा की ओर से राज्यसभा के सदस्य के तौर पर नामित किया है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है पीटी उषा, इन्हें वर्ष 1984 में अर्जुन अवार्ड, ठीक है, 1984 में इन्हें अर्जुन अवार्ड और साथ ही साथ 1984 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अच्छा, इनका एक और प्रदर्शन बहुत ही यादगार रहा है, ये रहा है जकार्ता का जो एशियन चैंपियनशिप हुआ था 1985 के अंतर्गत, ठीक है, 1985 का जो इनका जकार्ता का एशियन चैंपियनशिप हुआ था, इस चैंपियनशिप के अंतर्गत इन्होंने कुल 6 मेडल्स जीते थे और इनमें से 5 मेडल तो गोल्ड था, ठीक है, 5 इन्होंने गोल्ड मेडल्स जीते थे और 1 इसके अंतर्गत ब्रॉन्ज मेडल था, ठीक है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो उषा है, इन्होंने एक्चुअली में अपने खेल से संन्यास वर्ष 2000 में ले लिया था। इसके अलावा बात आईओए की करें, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसका गठन वर्ष 1927 में किया गया था। इसके जो संस्थापक अध्यक्ष रहे थे ये थे सर दोराबजी टाटा। साथ ही साथ ध्यान रखना है ये जो एसोसिएशन है एक्चुअली में इसका गठन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर किया गया था। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो इलेक्शन है यह हर 4 वर्षों पर आयोजित किए जाते हैं
इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि वर्तमान में ये तकरीबन 32 सदस्य एक कार्यकारी परिषद के द्वारा शासित किया जाता है। तो ये था हमारा आज का ही कंप्लीट वीडियो। आशा और उम्मीद कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। जाते जाते आपके लिए एक सवाल, आज का हमारा सवाल है, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट है पीटी ऊषा को पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था। दूसरा स्टेटमेंट है कि जो IOA है इसका स्थापना या फिर इसका गठन वर्ष 1950 में किया गया था। और तीसरा स्टेटमेंट है कि जो पीटी ऊषा हैं ये पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं IOA की। ये तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपने बताना है कि इन तीन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आपके सामने चार ऑप्शंस भी हैं, आप अपना आंसर हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो वैसे में आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।